भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब 40 से 50 अज्ञात समर्थकों पर पुलिस वर्दी फाड़ने और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये FIR कोर्ट में विधायक के सरेंडर के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प के चलते पंजीकृत हुई है। विधायक जी, जो चीज हमारे साथ जो जिस तरह से बिहेव किया गया है, जिस तरह हमारे नाले के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब देखा है। हम लोग पूरा पूरा मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। गोंडा में कारागार मंत्री दारा सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की और कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए गंभीर है और स्थायी समाधान के लिए IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। भदोही में सपा विधायक जाहिद बेग को 14 घंटे बाद जिला जेल प्रयागराज भेजा गया, जबकि उनके बेटे जईम को वाराणसी जेल शिफ्ट किया गया है। एक कदम सुरक्षा के कारणों से लिया गया है। दोनों पर नौकरानी को खुदकुशी के लिए उकसाने और बच्चों की तस्करी के आरोप लगे हैं। फतेहपुर में विंध्य कोतवाली क्षेत्र में किशोरी मर्डर का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। आरोपी शिवेंद्र को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बता दें 14 सितंबर को गायब हुई किशोरी का शव 15 सितंबर को मिला। पोस्टमार्टम में उसे गंभीर चोटें की पुष्टि हुई, जिसके बाद मामला पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। फरुखाबाद में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने जामपुर में 300 बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी, जिसमें आलू, चना, घी, तेल शामिल थे। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 4.3 लाख रुपए चेक भी दिए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर विदेशों में देश के खिलाफ बयान देने का भी आरोप लगाया और कहा कि अखिलेश यादव पर 2012-2017 में दंगों के लिए जिम्मेदार होने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता उनके आचरण को देख रही है और माफ नहीं करेगी। बलिया में 3 लोग और सिकंदरपुर थाने के दरोगा जी के व्यवहार से परेशान थे, जिसमें एक युवक ने सोशल मीडिया साइट पर लाइव आकर जहरीला पदार्थ खाने की वजह बताई। युवक की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें युवक पर मोटर चोरी का आरोप लगा था। लाख सफाई देने पर भी उसकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद युवक ने फैसला किया कि वो जान देकर इस बात को प्रमाणित करेगा। पीलीभीत में पुलिस ने पिकअप लोडर गाड़ी लूटने वाले गिरोह का खुलासा किया है। बदमाशों ने बुकिंग के नाम पर चालक को बंधक बनाकर गाड़ी चुरा ली थी। 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी गई पिकअप और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये घटना थाना मधुटांडा क्षेत्र में हुई थी। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में नगलापानी गांव में एक युवक का शव मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में नवरात्रि और दशहरे के मद्देनजर SP अपर्णा रजत कौशिक ने कस्बे में भारी पुलिस बल के साथ गश्त की। इस दौरान SP राजेश भारती और CO विजय कुमार राणा भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों से बातचीत कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया और संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के लिए दिशा निर्देश दिए। कौशाम्बी में पुरखास पावर हाउस में काम कर रहे अजय कुमार 11,000 हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर ने प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। ये घटना सराय अकील थाना क्षेत्र के पुरखास गांव की है।